क्या आप सपोर्ट इंजीनियर हैं और ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं? आईटी सपोर्ट की अप्रोक्सीमेटली मोर देन 8,000 जॉब्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर आपने आईटी सपोर्ट पढ़ा हुआ है और अगर आप आईटी टेक्नीशियंस हैं और ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। मेरे देखने सुने चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत और सलाम। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। हमारी इमिग्रेशन सीरीज के अंदर हम आईटी की डिस्कस कर रहे हैं और आज उसकी थर्ड वीडियो है। मेरी तमाम पिछली वीडियो को लाइक एंड शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उस पर कमेंट्स आपने जो करे हैं, मैं उसी के ऊपर मजीद वीडियोज बनाता जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ आईटी सपोर्ट इंजीनियर के लिए, वो लोग जो आईटी में काम करते हैं एज अ सपोर्ट इंजीनियर, एज अ टेक्नीशियन, उनके लिए ये वीडियो है कि वो ऑस्ट्रेलिया किस तरह मूव कर सकते हैं और रेजिडेंसी किस तरह ले सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर आईटी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिलहाल सीख के ऊपर जो बता रहा है, सिर्फ सीख के ऊपर ये जो बता रहा है, ये मोर देन 8,000 जॉब दिखा रहा है कि आईटी सपोर्ट इतनी ज़्यादा बंदे रिक्वायर्ड है। आईटी ऑलवेज इन डिमांड है, सपोर्ट तो ज़्यादा ही डिमांड की होती है। फिर जिस तरह सपोर्ट का लेवल बढ़ता रहता है उस तरह ही डिमांड बढ़ती रहती है। इंसिडेंट आने ही होते हैं, इंसिडेंट होते ही हैं, ऑफिस के अंदर सपोर्ट स्टाफ चाहिए ही होता है। तो फिलहाल आज की डेट के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 8,000 प्लस जॉब्स मौजूद हैं। तो कैसे आप आ सकते हैं आईटी की इस फील्ड से करते हुए? सबसे पहले आपने वही काम करना है कि आपने स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में जाना है, वहां जाकर अपनी कैटेगरी को नॉमिनेट करना है। मैं आपको इसका डेमो करवा देता हूं कि ये किस तरह आप इसको चेक करेंगे। तो अब मैं imi.gov पे चला जाता हूं और वहां जाने के बाद मैं अपनी कैटेगरी डिफाइन कर देता हूँ। कैटेगरी क्या लिखनी है मुझे, मुझे यहाँ जाकर सिर्फ सपोर्ट लिखना है। और सपोर्ट लिखकर जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए, अब आपने फैमिली सपोर्ट में नहीं चले जाना, ये एक अलग कैटेगरी है। नीचे देखेंगे तो आईसीटी सपोर्ट ऑफिसर की एक जॉब है, उसके नीचे देखेंगे तो आईटी सपोर्ट एंड टेस्ट इंजीनियर की जॉब्स है, आईटी सपोर्ट इंजीनियर की भी जॉब है। इस तरह मल्टीपल जॉब्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने करना है आईटी सपोर्ट इंजीनियर पे मुझे एक क्लिक कर लेना है इसके एनजो कोड के ऊपर। यहाँ जाकर अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट की आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपको क्या चाहिए। मेरे ख्याल में मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि आपने बैचलर्स पढ़ा होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर आपने मास्टर्स पढ़ा हुआ है तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसके नंबर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। मगर मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बता रहा है कि बैचलर्स या फिर आपके पास एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए या मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए। याद रखिए कि जितने ज़्यादा आपकी डिग्री होगी, जितनी हाई डिग्री होगी, उतने ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपकी जॉब ड्यूटीज़ ये होनी चाहिए कि आपने एटलीस्ट जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है इसकी सपोर्ट आप देना आनी चाहिए, आपको क्यूरीज आने चाहिए, यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना आपको आना चाहिए, ये तमाम एप्लीकेशन की सपोर्ट, इक्विपमेंट सपोर्ट, ये तमाम चीज़ें आप कर रहे हो, प्रिंटर हो गया आपका, आपका मॉडेम्स हो गए, ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा कस्टमर को, क्योंकि सपोर्ट का काम ज़्यादातर कॉल क्यू को उठाना होता है, बात करना होता है, लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, तो ये कम्युनिकेट भी आपको करना आना चाहिए। अगर आप इसकी सब कैटेगरी देखना चाहते हैं तो देखिए, हार्डवेयर टेक्नीशियन, सपोर्ट, आईटी सपोर्ट ऑफिसर, वेब एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्नीशियंस, ये तमाम इस कैटेगरी के आते हैं। मर्दर कैटेगरी अगर इसकी देखते हैं, फर्दर कैटेगरी के अंदर इसके आती है आईटी कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर, जिसके अंदर आपका आईटी हेल्प डेस्क ऑफिसर, हेल्प डेस्क टेक्नीशियन, सीनियर सपोर्ट इंजीनियर, सपोर्ट इंजीनियर, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। फिर मज़ीद इसकी सब कैटेगरी और हैं। तो ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप ये चीज़ तो एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, तब आपकी असेसमेंट जाएगी असेसमेंट बॉडी के पास और फिर आप आ सकते हैं। असेसमेंट इसकी कौन करते हैं, ये TRA वाले करते हैं, ये एक अलग कैटेगरी है, ये एक अलग बॉडी है जो करता है। और अगर आपने सपोर्ट इंजीनियर के उसके ऊपर करना है तो ये आपकी ACS करेगी। इसकी रिक्वायरमेंट उसकी रिक्वायरमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आप देखिए, यहाँ पर वही कह रहा है कि आपने सारी गाइडलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टिगेट और प्रॉब्लम्स रिजॉल्विंग और इस तरह के तमाम इश्यूज को आपने हैंडल करना है। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी बैचलर्स होगी और 5 ईयर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ आईटी सपोर्ट एंड टेस्ट इंजीनियर के हवाले से। फिर आप मज़ीद नीचे देखते हैं तो वही ट्रबल शूट और तमाम अपग्रेड और कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूट, ये तमाम चीज़ें आपकी चाहिए होती हैं। इसके अंदर आपकी क्वालिटी एश्योरेंस, सपोर्ट इंजीनियर, टेक्नीशियंस, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इस कैटेगरी के अंदर सपोर्ट इंजीनियर भी आ जाता है, ये इसके अंदर
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ये दो कैटेगरी के अंदर हम इसको फॉल कर लेते हैं। एक है वीजा की रिक्वायरमेंट, तो वीजा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 7 और 8 के दरमियान में अगर हो तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा होगी तो और भी ज्यादा अच्छा है। मगर ये बात याद रखिए कि कम्युनिकेशन लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये जॉब डिमांड करती है कि आप लोगों की कॉल सुने, उनसे बात करें, उनको सोल्यूशन दें और उनसे सब काम करें। तो इसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपको कस्टमर सपोर्ट देना आना चाहिए, ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब बात कर लेते हैं इसकी एवरेज सैलरी के ऊपर। तो इसकी एवरेज सैलरी, इट डिपेंड्स ऑन अगेन योर एक्सपीरियंस, तो 70,000 से शुरू होके 1 लाख तक भी जाती है, और अगर आप सीनियर हैं तो सीनियर की और भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये इसकी एवरेज सैलरी है। फील्ड इन डिमांड है, तो आपको मल्टीपल जो एरियाज़ हैं, जो स्टेट्स हैं, वो आपको स्पॉन्सर भी कर रही हैं इसके अंदर इस वक्त, और आप उस पर जा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप अपनी कैटेगरी को अब किस तरह लेके जाना चाहते हैं। आप रीजनल में जाना चाहते हैं तो रीजनल के पॉइंट आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। मिनिमम पॉइंट 65 है, मगर फिलहाल इसके लिए भी आपको 85 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली चाहिए, तो आपका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। 1 साल के अंदर इसकी रेजिडेंसी आपको मिल जाती है। तो ये वाला आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आप डायरेक्ट ही 190 पे अप्लाई कीजिए, और अगर आपके नंबर थोड़े से कम हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप 491 पर चले जाइए, रीजनल में रहिए, कुछ अरसे बाद आपको वहाँ पर भी रेजिडेंसी मिल जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सीख के ऊपर इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है और कितने ज़्यादा लोग इसके ऊपर जो है ना वो मांग रहे हैं, इन डिमांड क्या है। तो देखिए, ये आईटी सपोर्ट इंजीनियर हैं, 2 रोल हैं, ये आज की ही जॉब के ऊपर है, फीचर के उसके ऊपर है। तो ये मांग रहे हैं आपसे, यहाँ पर टॉप ऑफ देखें, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जाकर सिस्टम इंजीनियर लिखा है, क्लासिफाइड नहीं किया कि किस कैटेगरी में, पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इसने मुझे रिजल्ट दिखाया है 8,864 जॉब्स, दैट इज़ वेरी अलॉट, बहुत ज़्यादा है भाई। इतनी ज़्यादा डिमांड आपकी सिस्टम इंजीनियर और उनकी भी नहीं होती जितनी ज़्यादा डिमांड इस वक्त इसकी दिखा रहा है। मज़ीद देखें तो सिडनी और बहुत सारे कैनबेरा, मल्टीपल शहर के अंदर इसकी जो है ना स्टेट्स के अंदर आपको मिल जाएंगी। ये देखें, ये लेवल 1 इंजीनियर होता है, तो लेवल 1 इंजीनियर 55,000 से लेकर 70,000 तक कमाता है, और अगर आप थोड़े से सीनियर हो जाते हैं तो देखें इसके अंदर सीनियर के ऊपर आपका 1 लाख से ऊपर भी पैकेज जा रहा है, तो ऐसे जाता रहता है। और इसके अंदर कैजुअल वर्किंग आवर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल जॉब्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर जाते हैं तो 35 से 50 पर आवर पे भी होता है। देखिए लेवल 3 जो हाईएस्ट होती है उसके ऊपर भी ये बता रहा है कि मैक्सिमम जो पे स्केल आपकी जा सकती है वो 130 पर जा सकती है, यानी 1,30,000 फिर प्लस सुपर पूरे साल की इनकम। तो बहुत सारी फील्ड हैं इसके अंदर, डिमांड है, बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर अप्लाई करते हैं, तो इसकी डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इस पर अप्लाई कीजिए, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, और आपके यकीनन चांसेस है कि आप उस पर आ जाएंगे। प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बैकलॉग होता है, जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया है उनका पहला रिजल्ट आना होता है, या जिन लोगों के नंबर आपसे हाई होते हैं कभी कभार उनकी पहले आ जाती है। तो पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, आपकी भी बारी ज़रूर आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं स्किल मैट्रिक के हवाले से कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़्यादा आनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि भाई आपको कम्युनिकेशन अच्छी आनी चाहिए ताकि आप कस्टमर को हैंडल कर सकें। कभी कभार ऐसा होता है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का होता है, तो आपको उसको काम डाउन करने का फन आना चाहिए, ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपने जब उसको काम डाउन कर दिया है तो आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए चीज़ों के हवाले से। उसमें क्या आ जाएगा आपका, उसके अंदर आपका विंडोज़ आ जाता है, उसके अंदर आपका प्रिंटिंग आ जाती है, 365 आजकल चल रहा है तो उसकी सपोर्ट आ जाएगी, कोई प्रिंट नहीं चल रहा है, कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ उसके पास हो गई हैं, आपको एंटीवायरस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसी तरह आपको एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए, एक्सचेंज ऑनलाइन पे आपको काम करना हुआ थोड़ा सा आना चाहिए, शेयर पॉइंट पे काम आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम की सपोर्ट आप दे सकें, और मल्टीपल मतलब बेशुमार चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी ऑफिस में ज्वाइन करते हैं तो उनकी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है, उसकी ट्रेनिंग आपको यकीनन मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा। बेसिक बिजनेस एप्लीकेशन जो है उसको तो सपोर्ट करना आपको आना चाहिए ना, यानी ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, या आउटलुक की प्रोफाइल बनानी हो गई, या OST PSTs इनके ऊपर आपको ट्रबल शूट करनी, बेसिक ट्रबल शूट करनी आ गई, नेटवर्क की बेसिक ट्रबल शूटिंग आपको आनी चाहिए, नेटवर्क की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि ये राउट क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट कर पा रहा है, SSID क्या होती है, इस तरह की चीज़ें आपको
आनी चाहिए तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। और अगर आपका क्लाउड का कुछ एक्सपीरियंस है आप उसको भी पढ़ सकते हैं, Azure हो गया, AWS हो गया, तो उससे भी आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग का नॉलेज ज़्यादा हो जाएगी, आपको चीज़ समझ आ जाएगी, आपकी जॉब की जो डिमांड है उसके अंदर ये चीज़ पाई जा रही है कि आपको क्लाउड की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो क्लाउड की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आ जाएगी तो आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह आपसे इंटरव्यू के अंदर ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि भाई अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अपने प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनाएंगे, टिकट की प्रायोरिटाइजेशन कैसे करेंगे, तो ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा प्रायोरिटी का टास्क है जिसे मैंने पहले करना है, कौन सा टास्क है जो मैंने बाद में करना है। इसके अलावा आपको सर्विस डेस्क टूल के ऊपर काम करने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सर्विस नाउ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन है, इस तरह जीरा का हो गया, या और भी जो सपोर्ट के टिकटिंग सिस्टम होते हैं वो टिकटिंग सिस्टम आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग उसकी होना ज़रूरी है कि ये टिकटिंग सिस्टम कैसे चलता है, कैसे एलोकेट करते हैं, कैसे ऑटो टिकट क्रिएट होता है, कैसे रिजॉल्व करते हैं कस्टमर की ये बेसिक जो नीड है इसको हम किस तरह फुलफ़िल करेंगे। इसके अलावा ITIL ये भी एक अच्छा टूल होता है जिसके अंदर आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आसान हो जाती है कि ये कैसे हमारे प्रोसेसिंग चल रहे हैं और क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, इसके अलावा चेंज मैनेजमेंट और इस तरह की रिस्क मैनेजमेंट, ये जो चीज़ें होती है ना ये भी चीज़ें अपने जहन में रखेंगे। जितनी ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगी उतनी ही ज़्यादा आपको चांसेस होता है कि आप जो इंटरव्यू है वो पास कर लेंगे और आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक बोनस टिप इसके अंदर ये है कि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे ना इमिग्रेशन के लिए तो उस वक्त आपने ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन तो अप्लाई करनी ही है, वेबसाइट के थ्रू खुद भी कर सकते हैं और किसी कंसल्टेंट को जो मारा का एजेंट होगा, जो कंप्लीट उसके पास इंफॉर्मेशन होगी उनसे रजिस्टर्ड एजेंट से ही अपना काम कराइएगा, दूसरे लोगों के पास बिल्कुल भी ना जाइएगा क्योंकि फ्रॉड बहुत सारे घूम रहे हैं, आपसे रिश्वत भी मांगते हैं और दो नंबरियां भी करते हैं। तो अगर आप खुद करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप किसी एजेंट को लें तो ये वेरीफाई कीजिएगा कि वो एजेंट जो है वो रजिस्टर्ड एजेंट हो। तो वीज़ा की इन्फॉर्मेशन के हवाले से मैंने आपको तमाम ट्रिक्स बता दी हैं, आपने अगर इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं सपोर्ट इंजीनियर के अंदर तो आप जाइए सबसे पहले अपनी असेसमेंट कराइए, फिर आप अपने EOI के लिए करिए और फिर अपना वीज़ा अप्लाई करिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी जल्द से जल्द हो और फिर आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए और मुझसे मुलाकात करें, मैं आपका मुश्ताक रहूँगा आपको देखने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि आज की इस वेब वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। अगर कुछ चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, किसी कैटेगरी के बारे में पूछना चाहते हैं या इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।